नमस्कार। देश का नंबर वन न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते हैं ताबड़तोड़ 50। यूपी के संभल में पैर बांधकर लड़के को लात घूंसू से पीटा, चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से दिल दहला देने वाली घटना आई सामने, पुलिस की मौजूदगी में दो पक्ष के लोगों ने एक दूसरे की बेरहमी से पिटाई कर दी। मध्य प्रदेश के इंदौर में चार लड़कियों ने एक लड़की को बीच सड़क पर बुरी तरह से पीटा, मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। बिहार के कटिहार में बीजेपी नेता की हत्या के बाद लोगों का हंगामा, गुस्साई भीड़ ने थाने में किया तोड़फोड़। उत्तर प्रदेश के मऊ में बीच सड़क पर भीड़ ने एक आदमी की जमकर पिटाई कर दी, वहीं मौजूद लोगों ने मारपीट का वीडियो बना लिया। राजस्थान के राजसमंद में दो मनचलों को लड़की के साथ छेड़खानी करना महंगा पड़ा, लड़की ने कुछ लोगों के साथ मनचलों की पिटाई कर दी। यूपी के इटावा में अवैध शराब की बिक्री की वजह से दो पक्षों के बीच मारपीट हुई, घर में बेची जा रही थी अवैध शराब, कार्रवाई के दौरान शराब जब्त। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में बीती रात शादी समारोह में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। बिहार के मोतिहारी में दो भाइयों के बीच विवाद सुलझाने गई पुलिस को लोगों ने बंधक बनाया, दोनों भाइयों को थाने ले जाने की कोशिश पर गांव वालों ने विरोध जताया। पूर्वी चंपारण में मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने युवक को टावर से नीचे उतारा, करीब 5 घंटे तक हंगामा होता रहा। मुंबई के घाटकोपारा स्टेशन पर महिला पुलिसकर्मी ने यात्री की बचाई जान, चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच गिरा यात्री। बिहार के छपरा में एक लड़के का तमंचे पर डिस्को का वीडियो हुआ वायरल, पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा है वायरल, एसपी ने मामले की जांच का आदेश दिया। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक लड़के का हर्ष फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल हुआ, आरोपी ने पहले एक लड़के के साथ जमकर मारपीट की, उसके बाद बीच सड़क पर फायरिंग की। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भीषण आग से हड़कंप मचा, पनकी के इंडस्ट्रियल एरिया की मसाला फैक्ट्री में लगी भीषण आग। उत्तर प्रदेश के नोएडा एक्सप्रेसवे पर चलती बस में अचानक आग लग गई, देखते ही देखते पूरी बस जलकर राख हो गई, बस में मौजूद यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। यूपी के हाथरस में बीच सड़क पर दौड़ती रोडवेज की बस में लगी आग, यात्रियों ने बस से कूदकर बचाई जान, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की रैली, कहा मोदी जी ने देश की जनता को सुरक्षा कवच देने का काम किया, यूक्रेन में फंसे 32,000 बच्चों को भारत वापस लाया। हिमाचल के कांगड़ा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कांग्रेस पर हमला, कहा डूबता हुआ जहाज है कांग्रेस, उड़ान भरना तो दूर, रनवे पर दौड़ भी नहीं पाएगी कांग्रेस। हिमाचल प्रदेश के सोलन में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की रैली, कहा केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में भी बीजेपी की सरकार बनने वाली है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की रैली, बोले पहले दुश्मन देश भारत को आंख दिखाते थे लेकिन आज जवान एयर स्ट्राइक करते हैं। दिल्ली में एमसीडी चुनाव पर मनोज तिवारी ने गाया गाना, बोले बीजेपी का मंत्र सेवा है और मोदी का धर्म सेवा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, खनन पट्टे देने में कथित अनियमितताओं के खिलाफ दाखिल जनहित याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना गया, इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई योग्य मान लिया था। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण का लाभ मिलता रहेगा, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने बड़ा फैसला सुनाया है, संविधान पीठ ने 10% आरक्षण के केंद्र के फैसले सही बताया, 5 में 3 जजों की संवैधानिक बेंच ने आरक्षण देने के पक्ष में फैसला सुनाया है। गुजरात हाईकोर्ट ने मोरबी हादसे का स्वतः संज्ञान लिया, हादसे पर जताया दुख, राज्य सरकार से 10 दिनों के भीतर मांगी रिपोर्ट। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत, विधायकी रद्द करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा गया। ईडी जांच पर बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी का बयान, ध्यान भटकाने के लिए हो रही विपक्षी नेताओं की जांच, गैंगस्टर मामले में हुई थी अफजल अंसारी की पेशी। तिहाड़ जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के उपराज्यपाल को फिर चिट्ठी लिखी, करोड़ों की वसूली मामले में की सीबीआई जांच। केरल में हिजाब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी, कई महिलाओं ने ईरान में हिजाब विरोधी अभियान के समर्थन में किया प्रदर्शन। गाजियाबाद में सड़क पर नमाज पढ़ने का मामला आया सामने, हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने जताई आपत्ति, पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। दिल्ली सरकार ने प्राइमरी स्कूल 9 नवंबर से फिर खोलने का फैसला लिया है, दिल्ली की हवा में सुधार के बाद दफ्तरों में भी लोग अब जा सकेंगे, दिल्ली सरकार ने वर्क फ्रॉम होम को अनिवार्यता को हटा दिया है।
दिल्ली एनसीआर में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, ज्यादातर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 326 के पार। दिल्ली में प्रदूषण की वजह से लोगों को आंखों में हो रही जलन, जहरीली हवा से सांस लेने में भी हो रही दिक्कत। कोलकाता एसटीएफ ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना से आतंकी संगठन अलकायदा के एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार संदिग्ध का नाम मोनिरुद्दीन खान बताया जा रहा है, जिस पर आतंकी संगठन में लोगों की भर्ती करवाने का आरोप है। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा के दो आरोपियों की जमानत के बाद गिरफ्तारी, इलाके के में शांति करने का आरोप, कुल चार लोग गिरफ्तार। हरियाणा के रोहतक में अनाज मंडी के एक मकान से एक महिला और दो बच्चियों का शव बरामद हुआ, गला घोटकर हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस। झारखंड के देवघर में जमीन विवाद में गुंडों ने घर में घुसकर की मारपीट, बचाव करने गए बच्चे को पीटा, मारपीट में बच्चे की हुई मौत। दिल्ली के मैरोली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दो बदमाशों को गिरफ्तार किया, एक बदमाश फरार। उत्तर प्रदेश के नोएडा में जीएसटी विभाग और आयकर विभाग की टीम ने गारमेंट फैक्ट्री के ठिकानों पर छापेमारी की, टैक्स चोरी का है आरोप। मथुरा में खाद्य विभाग की टीम का एक्शन जारी, मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई, पनीर के 3 प्लांट पर छापा मारा गया और मौके पर मौजूद हजारों लीटर दूध नष्ट किया गया। पुणे में नकली इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी में छापेमारी की गई है, ज्यादा दूध देने के लिए दिया जाता है इंजेक्शन। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के जोधपुर में एक व्यापारी के घर से 10 करोड़ की चोरी, व्यापारी के 4 नौकरों पर चोरी का है आरोप, वारदात में शामिल कार को पुलिस ने बरामद कर लिया। महाराष्ट्र के पालघर में दो बसों में भीषण टक्कर, 20 से ज्यादा लोग हुए घायल, घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बिहार के कैमूर में गैस सिलेंडर लीकेज से लगी आग, मासूम बच्ची समेत 4 लोग झुलसे, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तमिलनाडु के तेनकाशी में भालू के हमले में एक आदमी गंभीर रूप से घायल हो गया, बचाव करने गए 2 लोगों पर भी भालू ने किया हमला। राजस्थान के बाड़मेर से एक हैरान कर देने वाला वीडियो आया सामने, अखबार पढ़ते पढ़ते अचानक बेंच से नीचे गिर गया एक युवक, उसे फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया गया लेकिन आदमी की जान नहीं बच सकी। कारगिल में भीषण बर्फबारी जारी, कश्मीर में हो रही बर्फबारी, भारी बर्फबारी से लोगों को हो रही दिक्कतें। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है, बर्फबारी की वजह से मुगल रोड बंद। दुबई में सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के पास एक इमारत में लगी भीषण आग, कई घंटों के बाद आग पर काबू पाया जा सका, हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। अमेरिका में आए बवंडर की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई, 10 लोग घायल हो गए, बवंडर ने लोगों के घरों को उजाड़ दिया। इराक की राजधानी बगदाद में एक इमारत में लगी भीषण आग, 20 से ज्यादा लोग झुलसे, इमारत को भी पहुंचा नुकसान।